वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आईपैड के आने से मार्केट में आ गए हैं बहुत किस्म के टैबलेट्स, और अब इतने किस्म की आ गई हैं कि अब देखना पड़ेगा कि कौन सा बेस्ट है और कौन सा सबसे रीजनेबल प्राइस में मिल रहा है। देखते हैं इस हफ्ते के ई बाय में। जब भी हम टैबलेट लेने का सोचते हैं तो सबसे पहला नाम जो सामने आता है वो है ऑफ कोर्स आईपैड का। और काफी अरसे से सुनने में आ रहा था कि एंड्रॉइड टैबलेट भी मार्केट में आने वाले हैं, और सबसे पहला जो एंड्रॉइड टैबलेट मार्केट में आया है वो है द सैमसंग गैलेक्सी टैबलेट। अगर हम सैमसंग गैलेक्सी और आईपैड को कंपेयर करें तो दोनों में मेजर डिफरेंस जो है वो है उनके सॉफ्टवेयर का, क्योंकि आईपैड जो है वो iOS सिस्टम पे चलता है और सैमसंग जो है वो एक एंड्रॉयड सिस्टम पे चलता है। और जहाँ तक स्टाइल का ताल्लुक है, वेल वो आपकी ज़ाती प्रेफरेंस का है कि आपको क्या स्टाइल ज़्यादा पसंद आता है। मगर इन दोनों में सबसे ज़्यादा जो हम कंपेरिजन कर सकते हैं वो हैं उनके फंक्शंस पर। एप्पल टैबलेट की अपनी स्ट्रेंथ्स हैं, पर गैलेक्सी जैसे एंड्रॉयड बेस्ड टैबलेट की अपनी स्ट्रेंथ्स हैं, और कई चीज़ों में एंड्रॉयड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग साबित हो सकता है। ऐप स्टोर में ज़्यादा एप्लीकेशन तो ज़रूर होंगी, मगर एंड्रॉयड का ओपन इकोसिस्टम आपको कुछ भी इंस्टॉल करने की ऑप्शन देता है जो आप ऐप स्टोर में नहीं कर सकते। और इसके साथ साथ जब मल्टीटास्किंग की बात आती है तो एंड्रॉयड आपको मल्टी प्रोग्राम्स रन करने के ऑप्शन देता है, मगर एप्पल ओएस आपको एक खास हद तक ही मल्टीटास्किंग करने देता है। एंड्रॉयड में रिमूवेबल बैटरीज की ऑप्शंस भी मौजूद हैं, जिसको एप्पल का मोबाइल हार्डवेयर सपोर्ट अभी तक नहीं करता, और ये ट्रेंड अब टैबलेट्स में भी सामने आ रहा है। तो अब जहां सैमसंग गैलेक्सी टैबलेट इस टैबलेट वॉर में सामने आ गया है, दूसरी कंपनीज भी दूर नहीं है। मोटोरोला भी निकालने वाला है अपना हाई एंड टैबलेट, और इसके साथ साथ गैलेक्सी का अपना 8 to 10 inch वर्जन भी सामने आएगा। और इन सब के साथ साथ गूगल भी दूर नहीं है, वो भी अपने टैबलेट के साथ इस रेस में शामिल होने वाला है। टैबलेट्स में हमारी ऑप्शंस बढ़ती चली जा रही हैं, वहाँ में जो इनोवेशन है वो भी इम्प्रूव हो रही है, और इसके साथ साथ ऐसे जो प्रोडक्ट हैं वो भी बेहतर से बेहतर होते चले जा रहे हैं। तो इन तमाम चीज़ों को सामने रखते हुए ये तो कहा जा सकता है कि एंड्रॉयड जो है वो एक टफ कंपेटिटर तो है, मगर एप्पल के साथ ज़रा टक्कर लेना थोड़ा मुश्किल है। तो ये था आज का ईटेक। और अगर आपके पास भी कोई टेक्नोलॉजिकल प्रॉब्लम है जिसका आप सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं, या आपने कोई कूल सी इनोवेशन बनाई है, हमें लिख भेजिए e-tech@expressnews.tv, या आप फेसबुक पर हमारा फैन पेज भी ज्वाइन कर सकते हैं। दिस इज़ अबाउट साइनिंग ऑफ। सी यू ऑल नेक्स्ट वीक।